नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। सर्दी के मौसम में हम तिल और गुड़ से तिलकुट बनाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आज हम तिल गुड़ से बर्फ़ी बनाएंगे, ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तिल और गुड़ में कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और ये दोनों ही तासीर में गर्म होते हैं, यानी सर्दी के मौसम में ये हमें सर्दी से लड़ने की ताकत भी देते हैं। तो आइए तिल गुड़ की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तिल को भूनकर तैयार करेंगे। ये हमने 2 कप तिल लिए हैं, 300 ग्राम तिल हैं। तिल को पैन में डालेंगे और लगातार चलाते हुए तिल के हल्का सा फूलने और हल्का सा कलर चेंज होने तक इन्हें हम भूनेंगे। तिल हमारे फूल गए हैं, इन्हें हम अलग थाली में निकाल लेते हैं। तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं, 2 या 3 मिनट में तिल भुनकर तैयार हो जाते हैं और तिल को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना होता। जैसे हल्के से फूल जाएंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, तुरंत हम इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तिल अगर जरा भी ज़्यादा भुन जाए तो ये स्वाद में कड़वे हो जाते हैं। ये हमने 1/4 कप घी ले लिया है, 50 ग्राम घी है। घी को हम कढ़ाई में डाल देते हैं और मेल्ट होने देते हैं। घी हमने बर्फ़ी को टेस्टी बनाने के लिए डाला है। अगर आप नहीं चाहते तो बिना घी के गुड़ और तिल से बर्फ़ी बना सकते हैं। घी में हम ये गुड़ डाल देंगे। हमने 1 कप बारीक तोड़ करके गुड़ ले लिया है, 250 ग्राम गुड़ है और हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। गुड़ को पहले हम मेल्ट होने तक पकाते हैं। इधर हम थोड़ी थोड़ी देर में गुड़ को चलाते रहेंगे। जब तक हमारे ये गुड़ की चाशनी बनकर तैयार होती है तब तक हम ये तिल पीसकर तैयार कर लेते हैं। तिल को जार में डाल देंगे, तिलों को हल्का दरदरा पीस लेंगे। हम अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं। गुड़ पूरी तरीके से घुल गया है, चाशनी बनकर तैयार हो गई है। हमने 1-2 मिनट इसको पका लिया है, बस गैस थोड़ी धीमी कर देते हैं। पिसे हुए तिलों को गुड़ की चाशनी में डाल देंगे और धीमी गैस पर हम इन्हें मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से मिल नहीं जाते आपस में। और ये हमने 8-10 इलायची को छीलकर उनके दानों को दरदरा कूट लिया है। दरदरी कूटी हुई इलायची है, ये भी डाल देते हैं। मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से। इसको हम जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पका लेंगे। ये देख रहे हैं आप कितना गाढ़ा हो गया है। और अब हम इसे जमा देते हैं। तो जमाने के लिए हम कोई भी ट्रे या प्लेट ले लेंगे। हमने ये प्लेट ले ली है, इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। बर्फी के मिश्रण को हम प्लेट में जमने के लिए डाल देंगे। ये हम इसे चम्मच से एक जैसा कर देंगे। और ये हमने 7-8 बादाम पतले पतले काटे थे, वो हम बर्फ़ी के ऊपर डाल देते हैं, गार्निश कर देते हैं इसके। और आप चाहें तो बादाम बर्फ़ी के अंदर भी डाल सकते हैं। चम्मच से हम इस तरीके से इन्हें दबा देंगे ताकि बर्फ़ी के अंदर सेट हो जाएं। अब हम बर्फ़ी को 15-20 मिनट ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें काटने के निशान लगा देंगे। ये बर्फ़ी हमारी ठंडी हो गई है, इसमें हम काटने के निशान लगा लेते हैं। वो बर्फ़ी अपनी पसंद से थोड़े छोटे पीसेस या थोड़े बड़े पीसेस जैसा आप चाहें काट सकते हैं। अब हम बर्फ़ी को पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसके पीसेस अलग कर लेंगे। ये बर्फ़ी हमारी ठंडी हो गई है पूरी तरीके से, इसके पीसेस को हम अलग कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम नीचे से प्लेट को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, बिल्कुल हल्का सा, तो बर्फ़ी आराम से निकल आएगी।
ये बर्फी के पीसेस हम प्लेट में रख देते हैं। हमारी तिल गुड़ की बर्फी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी बर्फी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप गुड़ की चाशनी बना रहे हैं पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, पानी नाप करके डालें, 2-3 टेबल स्पून पानी डालना है। गुड़ मेल्ट होने के बाद चाशनी को 2 मिनट पका लें, इसके बाद पिसे हुए तिल डालें और अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिश्रण को जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पका लें। मुश्किल से 3-4 मिनट में अच्छे तरीके से मिश्रण पक कर के तैयार हो जाता है। गैस धीमी और मीडियम रखें। किसी भी ट्रे में बर्फी जमा दें और जमने के बाद उसे काट लें। थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद निशान लगा दें तो बर्फी आसानी से कट जाती है और बहुत अच्छे पीसेस निकलते हैं। तिल गुड़ की बर्फी को आप किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए और इसे आप 1 महीने से भी ज़्यादा रख करके खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बर्फी है, तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।